पाकिस्तानी टीम 4 T20 मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गई। सीरीज का पहला मैच 22 मई, दूसरा मैच 25 मई, तीसरा मैच 28 मई और चौथा मैच 30 मई को होगा। अगर हम हेड टू हेड दोनों टीम्स पर नजर डालें तो पाकिस्तान में मौजूद हैं कप्तान बाबर आजम, अब्बास अफरीदी, इब्रार अहमद, आगा सुलेमान, आजम खान, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिहार अहमद, इमाद वसीम, अरफान उल्लाह खान, नियाजी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शद्दाब खान, शहीन चाफरीदी और उस्मान खान। पाकिस्तान की ये स्क्वाड अभी हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ भी सीरीज खेल चुकी है और मुमकिन तौर पर यही वो 18 प्लेयर्स हैं जो T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड और 3 रिजर्व खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 यानी 22 मई को किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम इंग्लैंड की स्क्वाड पर नजर डालें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती है। इंग्लैंड की टीम में शामिल हैं कप्तान जोस बटलर, मोइन अली, जफरा आर्चर, जोनी ब्रैडस्टो, हैरी ब्रोक, सैम करन, बेन डकर, टॉम हार्टली, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लैम लिविंगस्टन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, रेसी टूप्ले और मार्क वुड। पाकिस्तान और इंग्लैंड के पास वर्ल्ड कप से पहले ये लास्ट सीरीज है अपना बैटिंग कम्बिनेशन बनाने की और इसके साथ साथ बॉलर्स को रिदम में लाने के लिए। तो दोस्तों वर्ल्ड कप में आप किन 4 टीमों को सेमीफाइनल्स देखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।